जो संस्थाएं हैं इंजीनियरिंग की, उनमें भी हम बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, लॉ से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें भी सीटों को बढ़ाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। बुनियादी ढांचा माने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, जिसको कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, तो हम इस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। सभी घरों का 100% विद्युतीकरण, पावर इन एवरी विलेज, पावर फॉर ऑल, यही लक्ष्य रखकर हमारी यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रत्येक घर में शौचालय, 98% घरों में इस लक्ष्य को हमने हासिल किया है। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, यह भी हम करेंगे। सभी घरों में स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, पीने का पानी मिलना चाहिए। नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है। नेशनल हाईवेज की लंबाई है जितनी, उसको हम दो गुना करेंगे, जस्ट डबल करेंगे। हम इस लक्ष्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और शहरों और गांवों में ODF प्लस और ODF 2+ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। रेलवे की दृष्टि से 2022 तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगभग अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो जाए। 2020 तक यह भी हम लोगों की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण वह पूरा हो जाए। हेल्थ की दृष्टि से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, यह सिर्फ काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाएगी। और गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेली मेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। ट्रेन्ड डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात आज बहुत अधिक है, डॉक्टर की संख्या हमारे कम है। पूरी कोशिश हम लोगों की होगी ट्रेन्ड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रेशियो कम से कम 1:1400 1:1400 हो जाए, यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी। पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने के लिए और कुपोषण में कमी का दर तेज करने का भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इसका जहां तक प्रश्न है, यह बताने की आवश्यक नहीं है, सारा देश अब इसमें परिचित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे, और भी बेहतर। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि टॉप 20 में रहेंगे, कहां रहेंगे, लेकिन यह हमारा लक्ष्य है। अभी तक निर्यात, एक्सपोर्ट, उसको दो गुना करने की दिशा में हमारा यह अब प्रयत्न होगा। और सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए एक खिड़की अनुपालना एवं विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम करेंगे। यानी हमारे MSME के जो उद्योग समस्याओं का समाधान हो, यह हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य करेंगे। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो, इसे हम इंश्योर करेंगे। अदालतों का भी डिजिटाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, हम इसको डिजिटाइज भी करने की कोशिश करेंगे और इसे मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन को भी हम बढ़ावा देंगे। और जहां तक सरकारी प्रक्रियाओं का प्रश्न है, उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ,
सभी बच्चों का टीकाकरण इस काम को हुआ है और सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का भी प्रयास करेंगे। हर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, हम 6 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य हम पूर्ण करेंगे आदिवासियों के लिए, जो उनके स्वतंत्रता सेनानी हैं। पंच तीर्थ सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में हम काम करेंगे। जैन समाज, छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित करेंगे और सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा, पेंशन आदि यह सब सुनिश्चित करेंगे।